हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपिका फ्रॉम राणा हॉस्पिटल सरहिंद पंजाब। सबसे पहले मैं मनस्विनी फाउंडेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनका थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें मैं प्रेगनेंसी के एक मेजर इशू एनोरेक्टल डिजीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्टम, उस पर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ और अपने व्यूज बता सकूँ ताकि उसको अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। राणा हॉस्पिटल जो हमने 2002 में एक स्क्रैच से स्टार्ट किया था, पहले हम महीने के 2 से 3 पेशेंट्स ट्रीट करते थे एंड विद टाइम जैसे जैसे हमारी सब्जेक्ट पे अपनी अथॉरिटी होती थी तो अब बाय गॉड ग्रेस हम एक दिन के ऑलमोस्ट 15 पेशेंट्स यहाँ पे ट्रीट करते हैं। 5 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 नेशनल रिकॉर्ड्स जिसमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंक्लूडेड है, ये इस सारे रिकॉर्ड्स में राणा हॉस्पिटल अपना नाम रजिस्टर करवा चुका है। ऑलमोस्ट 21 कंट्रीज के 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट पाइल्स के पेशेंट हम यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। वी आर हैविंग डेडिकेटेड टीम विच इज एक्सटेंसिवली डूइंग रिसर्च इन एनोरेक्टल डिजीजेज और हमारी जो टैग लाइन है दैट इज कम विद पाइल्स एंड गो विद स्माइल्स एंड रियली इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस व्हेन पेशेंट गोज एंड दे से दैट वी आर रियली सेटिस्फाइड। तो अपना सब्जेक्ट जो टॉपिक है हमारा उसको शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि पाइल्स और फिशर्स है क्या, तभी हम उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल्स इसको फेस करती हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, उन सबको हम डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हिमरॉइड्स है क्या। रॉयड्स आर बेसिकली एनगॉज्ड फिजियोलॉजिकल एनल कुशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिनेंस। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स होती हैं और विद टाइम जैसे हम स्ट्रेन करते हैं, प्रेशर देते हैं तो इनकी स्वेलिंग हो जाती है। एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, 2 तरह के पाइल्स होते हैं। समटाइम्स थ्रोम्बोस्ड हिमरॉइड्स भी होते हैं, जैसे उसमें खून जम जाता है थ्रोम्बोसिस हो जाती है। सबसे पहले हम बवासीर के कॉजेज को समझते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हिमरॉइड्स या पाइल्स के मस्से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है सिडेंट्री लाइफस्टाइल्स। जैसे जैसे हमारी मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है, हमारे सारे काम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल जो है उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, डाइट की कोई प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं है और जंक फूड का बहुत ज़्यादा इनटेक है। तो इन सब रीजंस की वजह से, स्ट्रेस लेवल्स की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत एक मेजर इशू बनता जा रहा है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है और बीइंग ब्लड वेसल्स जब उन पे प्रेशर पड़ता है और कंटिन्यूस स्ट्रेनिंग होती है तो उससे ये जो हिमरॉइड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ रेयर कॉजेज में ये भी कहते हैं कि अजवाइन की बहुत ज़्यादा इंटेक करने से भी पाइल्स डेवलप हो जाती है या बहुत ज़्यादा लाउड बोलने से, बहुत ही ऊंचा बोलने से भी एनल रीजन पे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और हिमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। तो हिमरॉइड्स में सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देख के पेशेंट को ये पता चलेगा कि मुझे हिमरॉइड्स है या डॉक्टर उसको कैसे डायग्नोज करेगा कि उसको हिमरॉइड्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि मस्से बन जाते हैं। इनकी स्टेजेस होती हैं हिमरॉइड्स की, बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड और फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो हल्के हल्के हिमरॉइड्स होते हैं जो अंदर ही होते हैं, उनसे माइनर सी ब्लीडिंग होती है, पेशेंट जब स्टूल पास करता है तो माइनर ब्लीडिंग होती है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है कि वो हिमरॉइड्स बड़े हो जाते हैं और जब पेशेंट स्ट्रेन करता है या स्टूल पास करता है तो वो हिमरॉइड्स बाहर आ जाते हैं, बट दे गो इटसेल्फ, अपने आप वो अंदर चले जाते हैं। और फोर्थ स्टेज में वो हिमरॉइड्स बाहर आ जाती हैं और जब पेशेंट उनको अंदर पुश करता है तो वो अंदर नहीं जाते। इससे आगे वाली एक स्टेज थ्रोम्बोज हिमरॉइड्स भी होती है, एक्सटर्नल इंटरनल हिमरॉइड्स में, जिसमें खून जम जाता है और पेशेंट बहुत ही पेनफुल कंडीशन में हमारे पास आता है। तो ब्लीडिंग इज द मेन रीजन। जो ब्लीडिंग भी होती है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, थ्रोम्बोसिस हो जाए तो उसमें पेन होता है, पेशेंट बैठने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये सिंपल सिंपल से सिम्टम्स होते हैं जिसके साथ पेशेंट एक डॉक्टर के पास आके विजिट करता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज फिशर। फिशर क्या होता है, एनल रीजन पे एक कट लग जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बार बार रिपीटेड कॉन्स्टिपेशन होने से, हार्ट स्टूल पास करने से ये कट डेवलप हो जाता है और जब हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो जो हमारा स्फिंक्टर है वो स्पाज़म में चला जाता है और पेशेंट हमारे पास अनबियरेबल पेन के साथ आता है।
फिशर में सेकेंड सिम्टम होता है ब्लीडिंग होती है, लेकिन पाइल्स और फिशर की ब्लीडिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि पाइल्स की ब्लीडिंग जो होती है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है और जो फिशर की ब्लीडिंग होती है वो स्ट्रीक फॉर्म में होती है। समटाइम्स जब हम फिजिकली पेशेंट को चेक करते हैं तो हमें साथ में एक सेंटिनल टैग भी डेवलप हुआ नजर आ जाता है, विच इट सेल्फ शोज कि ये पुरानी दिक्कत थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट ने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो इसलिए ये इनकी अब एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज में, दो स्टेजेस होती हैं फिशर की, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो अगर हम टाइमली एक्यूट स्टेज को ट्रीट नहीं करते तो ये क्रॉनिक फिशर में डेवलप हो जाता है, स्फिंक्टर स्पाज़म में चला जाता है। समटाइम्स पेशेंट इस कंडीशन में आता ही है कि वो बैठ भी नहीं हमारे पास पाती। पाइल्स और फिशर दोनों के होने के कारण क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, सिडेंट्री हैबिट, मोर इनटेक ऑफ जंक फूड, उसके बाद हमारा फाइबर जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कम होना, लिक्विड इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना, फिजिकली हमारा एक्टिव ना होना, सैर योगा एक्सरसाइज ये सब कुछ ना करना। फिशर में एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होने का बिडेट का यूज़ है, जो हम मॉडर्नाइजेशन में जाके बिडेट का यूज़ करते हैं उसके वजह से भी एक फिशर का कट लग जाता है, और बार बार जो हम इसको यूज़ करते हैं उसकी वजह से ही वो डीप कट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। वन मोर रीज़न इज़ यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर्स, मोबाइल फ़ोन्स, मैगजीन्स इन टॉयलेट। ये आजकल की जनरेशन में एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें जो मोबाइल यूज़ करने की हैबिट है या न्यूज़पेपर्स पढ़ने की या मैगजीन्स पढ़ने की, तो हम लोग ये जब डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न प्रूव हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट एनोरेक्टल डिजीज़ बहुत ईजीली उसमें डेवलप हो जाती है। अब हम बात करते हैं पाइल्स एंड फिशर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल में डाइटरी हैबिट्स जो होती हैं वो रूटीन की तरह नहीं रहती, मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एनलार्ज यूट्रस अल्टीमेटली जब रेक्टम पे प्रेशर डालना शुरू कर जाता है, करना शुरू कर देता है, तो उससे ये हिमरॉयड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। फीमेल प्रॉपरली क्योंकि डाइट नहीं ले पाती इसलिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब हम बार बार जोर लगाते हैं तो ये हिमरॉयड्स डेवलप हो जाते हैं, और अगर कॉन्स्टिपेशन रहे और हम हार्ट स्टूल पास करते रहे तो उसकी वजह से ये फिशर्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रूटीन पेशेंट्स और प्रेग्नेंट लेडी में, दोनों में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। रीज़न बीइंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सब तरह की मेडिकेशन यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक केयर ऑफ बेबी आल्सो। सेकेंडली, पेशेंट प्रेग्नेंट है, वो डिस्कम्फर्ट समटाइम फील करती है, कुछ उसको मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकती, उतनी ज़्यादा फ्री एक्सरसाइज नहीं कर सकती या वॉक नहीं कर सकती, तो इन सारे रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम उसमें बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन में आ जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। प्रेगनेंसी में पाइल्स और फिशर को ट्रीट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा मेडिसिन ही है, कि हम मेडिसिन से, एश्योरेंस से, गाइडेंस से पेशेंट को ट्रीट करें। बेसिकली है तो ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना ही। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक है, हमारी डाइट ठीक है, हम फिजिकली एक्टिव हैं, और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम समझ जाते हैं कि हमने कभी भी स्ट्रेन नहीं करना, हम पेशेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि दिस इज़ नेचर्स कॉल एंड एवरीवन शुड अटेंड। जब मोशन का प्रेशर है तो जाना ही जाना है, और अगर प्रेशर नहीं है तो स्ट्रेन नहीं करना। अगर हम अपनी लाइफ में इतनी सी चेंजेस कर लें तो एक प्रेग्नेंट लेडी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि सर्जरी कैसे करनी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो सर्जरी एडवाइजेबल नहीं होती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कई बार हम पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि हमको करना कंपल्सरी हो जाता है, तो वो सर्जरीज हम यहाँ पे करते थे और उसमें बाय गॉड ग्रेस कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक चीज़ रहता था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जिस जो होम केयर ट्रीटमेंट हो तो बहुत ही अच्छा है, पेशेंट उसको ईजिली यूज़ कर पाए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, और उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। तो अल्टीमेटली हमने एक GMS पाइल्स रिलीफ डिवाइस इन्वेंट किया,
उसमें हमने 30 प्रेग्नेंट फीमेल्स पे सारा उसका डाटा कलेक्ट किया, उन पे पूरी थॉरो स्टडी की. तो उसका जो जीएमएस पाइल्स रिलीफ डिवाइस है उसका जो क्योर रेट है वो ऑलमोस्ट 96% है. वेरी इजी टू यूज़ है, क्रायोथेरेपी बेस्ड है और इससे पेशेंट घर बैठे ही अपनी पाइल्स की समस्या से छुटकारा पा सकता है. और उसका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का और पोस्टपार्टम का टाइम है वो बहुत ईजीली निकल जाता है. और इससे क्योंकि ये क्रायोथेरेपी बेस्ड है तो उससे जो इंटरनल हिमरॉइड्स होती हैं वो रिग्रेस हो जाती हैं, जो स्फिंक्टर का स्पाज़म है वो डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट की पेन चली जाती है और वो कंफर्टेबल हो जाता है. और डिवाइस के साथ साथ जब हम अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करते हैं, फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, सैर योगा व्हाटएवर जो भी हम लाइट कर सकते हैं, तो उससे पेशेंट एक काफ़ी कंफर्टेबल जोन में चला जाता है. वो सर्जरी को भी अवॉइड कर सकती है और ड्यू मेडिकेशन को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हमने यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और साथ के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको उनके लिंक्स शेयर हो रहे हैं. तो आप उसको देख के अच्छे से समझ सकते हैं, पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि कैसे उसने जंक फूड अवॉइड करना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, वाटर ज़्यादा लेना है, बिडेट का यूज़ नहीं करना, शी हैज़ टू बी फिजिकली एक्टिव अकॉर्डिंग टू हर कंडीशन, चाहे वो सैर करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर हर. तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बेसिकली दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया, नॉन वेजिटेरियन डाइट को अवॉइड किया, अगर लेना भी है तो हमको उसके साथ फाइबर को खूब लेना है, फाइबर लेने से उसकी डाइजेशन इजी हो जाती है. सेकेंडली अल्कोहल आजकल की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है, मेल्स के साथ साथ फीमेल्स भी इसका बहुत ज़्यादा इंटेक करती हैं. तो इन सब चीज़ों को हमको वैसे तो प्रेगनेंसी में वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल इज़ नॉट एडवाइजेबल, लेकिन अगर फिर भी कोई फीमेल लेती है तो उसको इसको स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और फिर अल्टीमेटली फिशर की और पाइल की प्रॉब्लम ये डेवलप फॉर श्योर डेवलप हो ही जाती है. तो अल्टीमेटली जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि दिस इज बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज. अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेते हैं, आप फाइबर खाना शुरू कर देते हैं, आप फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, बिडेट का यूज आप कम कर देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप यूज करना कम कर देते हैं, तो इसमें आप इस समस्या से काफी ज्यादा छुटकारा पा सकते हैं, ओवर मेडिकेशन से बच सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्जरी है, जो बेसिक नेचुरल एनाटॉमी है, वो कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं, सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करके, बीमारी को समझ के और फिर उस बीमारी के इलाज को समझ के. अगर हम इन सब चीज़ों को अपने नॉर्मल रूटीन में लेके आएंगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है. तो जो बेसिक चीज़ें जिसकी वजह से हम पाइल्स और फिशर को अवॉइड कर सकते हैं उसमें है कि हमको अपनी डाइट खूब लेनी है, स्लोली च्यू करना है, रात को गर्म दूध ज़रूर लेना है, सुबह उठते सार 2 गिलास ल्यूक वॉर्म वाटर के लेने हैं, जंक फूड्स को अवॉइड करना है और फाइबर को एड ऑन करना है, सैलड्स खूब लेने हैं, फ्रूट्स खूब लेने हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट क्या करता है कि उसको लगता है कि जैसे ये रेड चिली इज द कॉज, कि उसने लाल मिर्च खा ली और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो गई, वो मिर्च खाना बंद कर देता है, जबकि टेस्टलेस फूड नोबडी कैन हैव. तो हम लाइट मिर्च खा सकते हैं, लाल मिर्च भी खा सकते हैं, हम अपने टेस्ट का फूड ही खा सकते हैं और उसकी वजह से, और साथ में हम जब प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर पानी पीते हैं और टॉयलेट में जोर नहीं लगाते, दिस इज नेचर्स कॉल जो हमको अटेंड करनी है. अगर हमको प्रेशर है तो वी हैव टू गो और अगर नहीं है तो वी डोंट हैव टू स्टे. अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब लेंगे और ऐसी डाइट्स जिनको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट्स होती हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स होती हैं, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम रात को दूध पी लिया, सुबह पानी पी लिया, सैर योगा एक्सरसाइज कर लिया, तो इससे सारा कुछ बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, सॉफ्ट स्टूल पास होता है और जब वो सॉफ्ट स्टूल पास होता है तो इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं.
उसी तरह से पोस्टपार्टम भी पेशेंट क्या करता है कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें हम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस एक फीमेल पे डाल देते हैं कि आपने ये फ्रूट्स नहीं खाने, आपने ये सैलेड नहीं खाना, आपने पानी ज़्यादा नहीं पीना, आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपका पेट बड़ा हो जाएगा, फिर वो कभी अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा, आप मोटे हो जाओगे, और फिर उसको कहते हैं कि आपने फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना, इसका बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, आपने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स डाल के उसको दिया जाता है ताकि उसको ब्लीडिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो जाए। और इन सब चीज़ों की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जब हमने ये सब चीज़ें तो ले ली लेकिन हमने फाइबर बंद कर दिया, हमने अपनी लिक्विड इनटेक बढ़ा दी और हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी, तो हेमरॉइड्स डेवलप होने ही होने हैं। सेकेंडली, जब हम नॉर्मली डिलीवर करते हैं पेशेंट को तो जब वो जो प्रेशर पड़ता है, जितना पेशेंट स्ट्रेन करती है उससे भी ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और उसकी वजह से बाद में पेशेंट के लिए इवन समटाइम्स तो बेबी को फीड करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो बहुत पैथेटिक कंडीशंस में। एंड दिस इज रियली ट्रू, हमारे सेंटर में इवन कई बार 5-5 दिन का बेबी होता है, 1 वीक का बेबी होता है, वो चाहे नॉर्मली डिलीवर हुआ हो या सिजेरियन उसका हुआ हो, तो हमको वो पेशेंट ऑपरेट करना पड़ता है बिकॉज फीमेल इज इन दैट कंडीशन कि हम उसमें वेट कर ही नहीं सकते, शी कांट सिट प्रॉपरली, और वो अपने बेबी को लुक आफ्टर कर ही नहीं सकती। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें बेसिकली इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि फाइबर इनटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप नॉर्मल पर्सन हैं, चाहे एक प्रेग्नेंट फीमेल है और चाहे वो पोस्टपार्टम फीमेल है, उसको हर चीज़ की ज़रूरत है। नेचुरल जो भी फाइबर है वो उसको मिलना ज़रूरी है। अगर उसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगी, अगर वो लिक्विड प्रॉपर नहीं लेगी और वो स्ट्रेन करेगी तो उसको फिशर पाइल्स की प्रॉब्लम्स डेवलप होनी ही होनी है। तो ये सब सर्जरीज को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम बिट चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में ले आए। तो अगर आप ये सब कुछ अपने मेडिकल प्रोफेशन में अपनी ओपीडीज में सारा अच्छे से देखते हैं, पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको प्रॉपरली डायग्नोज करते हैं, आप प्रॉपर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो, वो मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है। अगर सर्जरी वाला केस भी है, इवन हम उसका वो टाइम निकाल सकते हैं विद लाइफस्टाइल चेंजेस, और फिर आफ्टर डिलीवरी जब वो कंफर्टेबल है तो वो इजीली उसको ऑपरेट करवा सकती है। तो इसके लिए आपका उसको प्रॉपरली गाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू पीपल। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, तो मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उनका आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।